हेलो गाइस, आई एम सौम्या सोनी एंड यू आर वाचिंग नीवरा। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम और ये हमारे बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 9, जिसमें कि हम देखने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। ओके, देखिए अभी तक हमने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा था उसमें जो हमारी इंडेक्स होती थी, जो उसमें हमारी पावर होती थी, वो क्या होती थी? वो एक नेचुरल नंबर होती थी। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्स प्लस वाई टू द पावर एन। तो जो हमारा ये इंडेक्स था n, ये आपका नेचुरल नंबर होता था। हमने देखा था x plus y to the power 1, x plus y to the power 2, x plus y to the power 100, x plus y to the power 105, मतलब जो भी पावर या इंडेक्स वो क्या होती थी, एक नेचुरल नंबर होती थी। नाउ अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करना चाहते हैं उस केस में जब आपकी पावर नेचुरल नंबर ना हो। अब नेचुरल नंबर ना हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, लेकिन हमें इरेशनल ही देखना। नेचुरल नंबर ना हो लेकिन वो अगर एक नेगेटिव नंबर हुई या फिर वो क्या हुई, फ्रैक्शनल हुई। ठीक है, मान सकते हैं कि जो हमारी पावर है, मान लीजिए फ्रैक्शन है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हो सकता है n हमारा हो 1/2, n हमारा हो 3/2, n हमारा हो 4/2। ठीक है, इस तरह से, या फिर 4/2 तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन ही, तो आपका एक नेचुरल नंबर बन जाएगा। हो सकता है 4/7। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक फ्रैक्शनल इंडेक्स हो सकती है। हो सकता है कि आपकी जो इंडेक्स हो वो क्या हो, नेगेटिव हो। अब ना नेगेटिव इंडेक्स हो सकती है कि आपकी -1/2 हो गई, -5/7 हो गई, एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आपकी जो इंडेक्स है वो क्या हो, एक फ्रैक्शन में हो। ठीक है, फ्रैक्शन हो सकता है कि आपकी नेगेटिव हो या हो सकता है पॉजिटिव हो। नाउ जब हम नेगेटिव फ्रैक्शन देख रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली अगर मैंने नेगेटिव इंटीजर लिया -2, तो ऑब्वियसली -2 को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं -2/1। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर्स वाली पावर वाले केस भी देख लेंगे। ओके गाइस, ठीक है, तो चलिए क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो जो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, नेचुरल नंबर वाला तो ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होता है, तो उसको डिस्कस नहीं करते हैं। नाउ तो दिस इज व्हाट, ठीक है, ये कैसे हम करते हैं, तो यहां से देखिए हम लिखेंगे 1 + x^n, एंड इफ एन इज अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को कुछ भी हो सकती है। इफ एन इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन, देन ये आपका हो जाएगा 1 + x^n, दिस इज इक्वल टू 1 + n(x) + n(2) + n(1)(2)(3) * (x³). एंड ये आपकी जो सीरीज है ये जाती आती जाती आती जाती आती है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है। इट इज़ अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, लेकिन इस केस में जो मॉड ऑफ एक्स है दैट शुड बी <1/1। ठीक है, नाउ नेगेटिव के लिए ये जो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है ये कैसे होता है, ये हमने आपको बताया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, इससे क्या क्या हम इंटरप्रेट करते हैं, किस टाइप के हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उनको भी हम देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पर देखिए, इफ 1 + x^n है हमारे पास, कहीं पर भी है 1 + x^n, एंड इफ एन इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन, उस केस में जो ये एक्सपेंशन होगा वो इस तरह से होगा 1 + n(x) + n(2)(n-1)/2 * (x²) + n(2)(n-1)/3 * (x³). तो मींस इसी पैटर्न में आपकी सीरीज चलती रहती है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। मींस दिस एक्सपेंशन इज इक्वल टू एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, नाउ अब देखिए ये कैसे आया, इसका प्रूफ क्या है, तो वो अभी हमें नहीं देखना है, क्योंकि भाई इसका जो प्रूफ है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इट इज नॉट इन जेईई सिलेबस। ठीक है, ऑब्वियसली आई कैन टेल यू कि भाई कैसा आया है, लेकिन हम अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो जो हमारा मेन गोल है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। भाई अभी मैं आपको जेईई एडवांस क्रैक करने के लिए पढ़ा रही हूँ, इसलिए ये वीडियो में इतना देख लो। ठीक है, नाउ अब देखते हैं इसमें कि ये आपका हो चुका है नेगेटिव के लिए, आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लिया है। ठीक है, नाउ अब इसमें देखो, आपने एक बात देखी होगी कि मैंने यहाँ पर लिखा है 1 + x^n। जब मैंने नेचुरल नंबर के केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया तो मैंने क्या बोला था, x + y^n, या फिर मैंने बोला था a + b^n। मीन्स यहाँ पर कुछ और टर्म था, यहाँ पर कुछ और टर्म था, और वो स्पेसिफाई नहीं थे कि भाई x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, x और y की वैल्यू कुछ भी एक्सेप्टेड थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई
बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, तो उनमें से दो टर्म में से एक टर्म आपका क्या होगा, वन होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका कुछ हो सकता है एक्स, और एक्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है कि भाई मॉड ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान देने वाली है कि दिस एक्सपेंशन मतलब बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जब आपका ये वन प्लस एक्स टू द पावर एन हो रहा हो एंड मॉड ऑफ एक्स क्या हो रही है, लेस देन वन हो रही है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट नंबर वन हो गया कि भाई दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन, दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन, ये आपको याद रखना है। इफ मॉड ऑफ एक्स इज नॉट लेस देन वन, आपका मान लो मॉड ऑफ एक्स आपका 2 हो गया, 2.5 हो गया, देन इस टाइप से जो एक्सपेंशन है वो डिफाइन नहीं होगा। ओके गाइस, आर यू गेटिंग इट? तो देखिए गाइस, आपने ये चीज देख ली है। ओके, नाउ दूसरी बात क्या है कि भाई जो ये सीरीज है, दिस सीरीज इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, ठीक है, तो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है। नाउ इसका अगर हमें जनरल टर्म लिखना हो, इस सीरीज का हमें जनरल टर्म लिखना हो, तो ये जनरल टर्म जो होता है टी आर प्लस वन, ठीक है, तो टी आर प्लस वन इसमें देखेंगे अगर अच्छे से, तो भाई यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म में क्या है, ओनली वन है, ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या है, एक्स की पावर वन है, थर्ड टर्म में क्या है, एक्स की पावर टू है, फोर्थ टर्म में क्या है, एक्स की पावर थ्री है, तो यहाँ पर देखो कि जो हमारा टर्म हो रहा है उससे कम है, एक पावर क्या है आपकी, कम है, पावर एक कम है, लाइक आपका फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर जीरो, सेकेंड टर्म में वन, थर्ड टर्म में टू, फोर्थ टर्म में थ्री, तो जो हमारा टर्म हो रहा है तो उसमें एक्स की पावर क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास टी आर प्लस वन है तो उसमें जो एक्स की पावर होगी वो क्या होगी, एक कम होगी, मतलब आर होगी, ठीक है। नाउ अब मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर देखो अगर एक्स की पावर टू है तो टू फैक्टोरियल डिवाइड में, थ्री है तो थ्री फैक्टोरियल डिवाइड में, तो ऐसे अगर आर है तो क्या होगा, डिवाइड में आर फैक्टोरियल होगा। नाउ अब यहां पर देखो ये क्या है, ये आपका है यहां पर वन है, फिर एन, फिर एन इंटू एन माइनस वन, तो फिर आपका एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, तो भाई इस तरह चल रहा है एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। नाउ ये कहां तक जाएगा, इसे देखो, अगर यहां पर सेकेंड टर्म था तो ये आपका जा रहा था एन तक ही जा रहा था, ठीक है, अगर थर्ड टर्म था तो ये हमारे जा रहा था एन माइनस वन तक जा रहा था, फोर्थ टर्म में आपका टू तक जा रहा था, फिफ्थ टर्म में आपका एन माइनस थ्री तक जा रहा था, ठीक है, तो ये आपका होगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू। अब देखो यहां पर फोर्थ टर्म में यहां पर क्या है, टू है, मतलब दो कम है, थर्ड टर्म में क्या है, यहां पर वन है, मतलब दो कम है, तो यहां पर अगर हम देखें आर प्लस वन टर्म, तो आर प्लस यहां पर देखो अलग से लिखना चाहूंगी मैं आपके लिए, आर प्लस वन माइनस टू कितना हो जाएगा, आर माइनस वन, तो ये आपका जाएगा एन माइनस ऑफ आर माइनस वन तक जाएगा। बात समझ में आई, देखो कैसे यहाँ पर भाई ये आपका थर्ड टर्म है तो वन तक गए, थ्री माइनस टू कितना होता है वन, तो दो कम है यहाँ पर, यहाँ पर भी देखो अगर फोर्थ टर्म है तो कहाँ तक गए, टू तक गए, एन माइनस टू तक गए, अगर फिफ्थ टर्म है तो क्या कहाँ तक जाते, एन माइनस थ्री तक जाते, तो फिफ्थ फाइव माइनस टू कितना होता है थ्री, तो एन माइनस थ्री तक जाते। अब यहाँ पर देखो अगर आर प्लस वन टर्म था तो आर प्लस वन माइनस टू कितना हो गया, आर माइनस वन, सो वी आर गोइंग अप टू एन माइनस आर माइनस वन, ब्रैकेट में लिखा है मैंने आर माइनस वन, आई थिंक ये आपको विजुअल होना चाहिए, अच्छे से लिख देती हूँ फिर से मैं, ये आपका हो रहा है एन माइनस ऑफ आर माइनस वन, बात समझ में आई, तो ये आपका हो गया इसका आर प्लस वन टर्म हो गया, ठीक है। नाउ गाइस, मैंने आपसे बोला था कि मैं इसका प्रूफ आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन एक दो एग्जांपल में बता सकती हूँ जिससे कि आप देख सकते हैं कि भाई एक्चुअल में ये जो सीरीज है वो इसी तरह से आएगी, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेंगे अभी कुछ टाइम बाद, ठीक है। नाउ हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं एंड मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। तो गाइस लेट अस रिमूव इट फ्रॉम हियर, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। गाइस जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो हमारा आया था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी को देखते हैं। ये था जेई मेन 2003 का क्वेश्चन था। गाइस इसके बाद भी इस टॉपिक में हम और भी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेज पे आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको एक पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ। जे में 2003 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि भाई इफ एक्स इज पॉजिटिव, इन्होंने बोला है कि इफ एक्स पॉजिटिव है देन, ये पूछ रहे हैं कॉमा लगा के लिखा है, दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, दी फर्स्ट एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेगेटिव टर्म
इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power, देखो यहां पर है, अच्छे से लिख देती हूं मैं इसको, 1 plus x to the power 27/5 is, ठीक है। तो ऑप्शंस थे आपके, पहला ऑप्शन था 6th term, सेकेंड ऑप्शन था 7th term, ऑप्शन नंबर सी में था 5th term एंड ऑप्शन नंबर डी में था, लिया हुआ था 8th term। ओके गाइस, तो पहले मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये बोल रहे हैं कि इफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है देन फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, मीन्स इसके एक्सपेंशन में फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, क्या वो 6th term होगा, क्या 7th term होगा, एंड सो ऑन, ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक्सपेंशन देखते हैं, तो इसका एक्सपेंशन हमारा होगा 1 plus x to the power 27/5। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है इफ एक्स इज पॉजिटिव। नाउ यहाँ पर एक बात आप देख सकते हैं, मैं पेपर में खुद से पढ़ना चाहूंगी, क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली ऐसा ही था कि इफ एक्स इज पॉजिटिव। नाउ यहाँ पर एक बात आप याद रखना कि इन्हें क्वेश्चन में देना चाहिए था कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन मैंने एक प्रीवियस बुक में से लिया हुआ है, तो वहां पर नहीं लिखा था कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। बट आई थिंक हो सकता है कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ ही हो कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, अदरवाइज ये आपका जो होगा एक्सपेंशन वो आपका डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से कि हमें क्या करना है, हमें चाहिए भाई इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। नाउ अब हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो मॉड ऑफ एक्स है दिस इज लेस देन 1, ठीक है। नाउ अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जो टी आर प्लस 1 है, आर प्लस 1 टर्म है, वो क्या होगा, अभी हमने देखा था कि आर प्लस 1 टर्म आपका होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड इट इज गोइंग अप टू एन माइनस ऑफ आर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। नाउ इन्होंने कहा है कि x इज पॉजिटिव, x अगर आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखिए x टू द पावर जो r होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये तो आप समझते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर की आप कोई भी पावर चढ़ाओ वो आपकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, नंबर आपका पॉजिटिव आएगा। नाउ r फैक्टोरियल भी क्या होगा, इट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। नाउ नेगेटिव कैसे बन सकता है, नेगेटिव आपकी ये टर्म बना सकते हैं, देखो n तो आपका 27/5 होगा, ये तो नेगेटिव बनाया गया नहीं, हो सकता है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, तो जब हम इसमें से कुछ माइनस करते जा रहे हैं तो एक टाइम बाद ऐसा होगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा टर्म आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो मान लेते हैं कि भाई टी आर प्लस 1 जो है यही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अगर यही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। एंड इसके पहले वाला ब्रैकेट, इसके पहले वाला ब्रैकेट क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला ब्रैकेट ब्रैकेट आपका होगा एन माइनस ऑफ आर माइनस 2, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एंड इसके पहले जितने भी ब्रैकेट है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। वाई अगर वो सभी पॉजिटिव नहीं हुए तो ये आपका पहला नेगेटिव टर्म नहीं होगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ भाई, मान लो कि भाई हमारा जो 10th term है वो आपका क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब क्या है, जो 9th term है वो पॉजिटिव होगा, 8th term भी पॉजिटिव होगा, 7th term भी पॉजिटिव होगा, 6th term भी पॉजिटिव होगा, उससे पहले क्या होंगे, हर टर्म पॉजिटिव होंगे। अगर यहाँ पर ऐसा हुआ कि भाई n माइनस 2 यही नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई n माइनस 2 हमें कब मिलता है, n माइनस 2 हमें मिलता था अपना 4th term में, आपने देखा था 4th term में मिलता था, तो भाई 4th term ही नेगेटिव हो जाता, 10th term नेगेटिव नहीं होता। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई ये लास्ट वाला ब्रैकेट आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और आगे जितने भी आने वाले ब्रैकेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके पॉजिटिव होने चाहिए, तभी टी आर प्लस 1 क्या होगा, आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। नाउ अब ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका मतलब क्या हो गया, एन माइनस ऑफ आर माइनस 1 दिस इज लेस देन 0, दिट शुड बी लेस देन 0। नाउ तो यहाँ से आपका आ जाएगा एन माइनस आर प्लस 1 दिस इज लेस देन 0, यहाँ से आपका आ जाएगा एन प्लस 1 दिस इज लेस देन आर, मीन्स यहाँ से आपका आ जाएगा कि आर इज ग्रेटर देन एन प्लस 1। नाउ एन की वैल्यू रखेंगे तो आर इज ग्रेटर देन आपका आ जाएगा 27/5
प्लस वन, मीन्स यहाँ से आपका आ जाएगा आर इज ग्रेटर देन 27 प्लस 5 कितना होता है 32 अपॉन 5, मीन्स यहाँ से आपका आ रहा है, मैं ओवरऑल लिख देती हूँ, यहाँ से आपका आ रहा है आर इज ग्रेटर देन 6.4, ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6.4. नाउ आर आपका क्या आ रहा है, आर शुड बी ग्रेटर देन 6.4. अगर आपका आर 6.4 से बड़ा होगा तो आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव टर्म मिलेगा. नाउ फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए क्या होना चाहिए, आपकी 6.4 से जस्ट बड़ी वैल्यू होनी चाहिए. नाउ आर क्या हो सकता है, आर आपका एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है, तो 6.4 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, इससे जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर होता है आपका 7, मतलब यहां से आर की वैल्यू मिली मुझे 7. तो अगर आर की वैल्यू 7 मिली तो कौन सा टर्म होगा, टर्म होगा आपका टी आर प्लस 1, मतलब हमारे पास होगा टर्म होगा हमारा टी 7 प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया टी 8, मतलब क्या हो गया 8 टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. गाइस आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके गाइस, तो एक काम करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ. ओके गाइस, गाइस इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं एंड हम एक काम करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ऑब्वियसली नेक्स्ट कंसेप्ट आपका इसी पे ही है भाई, बाइनोमियल एक्सपेंसर फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स. तो भाई जो क्या होता है पहले मैं उसको लिख देती हूँ. तो ये आपका था 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, दिस इज एन, ठीक है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म आपका होगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, एंड ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जाएगी अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब ये सीरीज आपकी कभी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी हमेशा, ठीक है. एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो मोड ऑफ एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1, तभी ये आपका एक्सपेंसर डिफाइन होगा. नाउ अब हम एक काम करते हैं, जो मैंने आपसे बोला था कि भाई अगर हमारे पास जो पावर है वो आपकी फ्रैक्शन में नहीं होती, एक नेचुरल नंबर होती, उस केस में अगर यहाँ पर ऐसा ना होता 1 प्लस एक्स की पावर एन, ऐसा होता एक्स प्लस वाई की पावर एन, तब भी वो डिफाइन होता होता. लेकिन ये वाला आपका एग्जैक्टली अगर ऐसा मिल जाए हमें x प्लस वाई टू द पावर n, और अगर मान लो कि n की वैल्यू हमें एक फ्रैक्शन मिल चाहिए कि 4/5, तो हम इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे. अब नाउ क्यों हमने कहा कि डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में ही होना चाहिए. लेकिन देखो ये अभी 1 प्लस एक्स की पावर n में होना चाहिए, ठीक है, ये अभी है नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम 1 प्लस समथिंग टू द पावर n के फॉर्म में बना सकते हैं, जहां पर जो समथिंग आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, उसका मोड आपका लेस देन 1 आना चाहिए, ठीक है. तो एक काम कर लेते हैं कि हम एक स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है, स्पेशल केस. तो जो स्पेशल केस है उसको मैं यहां से लिख देती हूं कि स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है भाई, मान लो कि वी वांट टू एक्सपेंड दिस एक्स प्लस वाई टू द पावर एन, और यहाँ पर भी जो हमारा इंडेक्स है दैट इज अ फ्रैक्शन, ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ ही फ्रैक्शन हो, ठीक है. नाउ एंड इफ हमें ये गिवन है कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स आपका वाई से बड़ा है, तो एक काम करो जल्दी से फटाफट एक्स को इस ब्रैकेट से बाहर ले लो. जैसे ही आप एक्स को इस ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है, होल टू द पावर एन. तो ये आपका बन जाएगा एक्स टू द पावर एन इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स टू द पावर एन. अब गाइस यहाँ पर देखिए कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अब यहाँ पर देखो अच्छे से एक बात देखना, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो अब देखो हमें क्या चाहिए, मॉड चाहिए था, ऑब्वियसली हमें मॉड चेक करना था कि भाई मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, हमें ये चाहिए था. तो एक काम कर देते हैं कि हम इन दोनों पे हम मॉड लगा लेते हैं, ठीक है. नाउ इफ स्पेशल केस जो हम ले रहे हैं यहाँ पर कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो इस केस में हम इस तरह से ले रहे हैं कि दोनों आपके क्या हों, कि एक्स और वाई क्या हों, पॉजिटिव हों, एक्स और वाई दोनों अगर पॉजिटिव हैं. नाउ अगर एक्स और वाई देखकर दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इनइक्वालिटी में आराम से हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग आर साइन, ठीक है. तो एक काम करेंगे, एक्स को हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 1 इज ग्रेटर देन वाई बाय एक्स, मीन्स यहाँ से हमें मिल जाएगा कि भाई वाई बाय एक्स दिस इज लेस देन 1. तो हमने क्या किया कि भाई अगर इनमें से कोई एक नंबर का मॉड दूसरे नंबर के मॉड से क्या है,
बड़ा है, या फिर हम बोल सकते हैं दो नंबर अगर पॉजिटिव है और एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो एक काम करो बड़े वाले नंबर को जल्दी से बाहर ले लो। जैसे आप बड़े वाले नंबर को बाहर ले लेंगे तो भाई ये आपका आ गया एक्स टू दी पावर एन, जिसको कि हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ ये आपका बच्चा है 1 प्लस वाई अपॉन एक्स टू दी पावर एन, तो ये आपका एक्सपेंशन इस फॉर्म में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए था कि मॉड ऑफ वाई बाई एक्स दैट शुड बी लेस देन 1, तो यहाँ पर देखो वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हमें मिल रहा है बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो मींस इसका जो हमें जो मॉड मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, लेस देन 1 मिल रहा है। नाउ आराम से अब हम इसका इस रूल से एक्सपेंशन कर सकते थे। तो ये आपका हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन इंटू, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस जो आपकी पावर है एन इंटू एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है वाई अपॉन एक्स, ठीक है। प्लस आपका हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये सीरीज भी आपकी इन्फाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। तो ये इन्फाइनाइट सीरीज इंटू एक्स टू दी पावर एन। तो मीन्स अगर आपके दो टर्म हैं एक्स और वाई, तो उसको भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, जहां पर ये आपका क्या बन जाए, इसका मॉड आपका लेस देन 1 बन जाए। ओके गाइस, नाउ अब एक काम करते हैं कि हम नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, तो उसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो आपका स्पेशल केस हो गया, ये हमने समझ लिया होगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई इस एक्सपेंशन को अच्छे से देखो, इस एक्सपेंशन में क्या बोल रहे हैं कि तभी डिफाइन है जब मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। अब मॉड ऑफ एक्स अगर आपका लेस देन 1 है, तो एक्स हो सकता है बहुत ही छोटा एक पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, या फिर एक्स आपका बहुत ही मतलब जो मॉड ऑफ एक्स है वो आपका बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉड ऑफ एक्स आपका क्या हो जाए, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास आ जाए। मीन्स हो सकता है कि मॉड ऑफ एक्स आपका आ जाए यहाँ पर 0.001, या फिर मॉड ऑफ एक्स आपका आ जाए 0.0001, इस तरह से आ जाए। तो क्या होगा, देखो आप जानते हैं कि भाई अगर कोई भी 1 से छोटा नंबर होता है, लाइक हमने ले लिया x इक्वल टू 0.01, ठीक है, तो x का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर, तो वो आपका हो जाएगा 0.0001, ठीक है। नाउ अब हम x क्यूब की बात करते हैं, तो x क्यूब आपका हो जाएगा 0.0x³ की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्स क्यूब आपका हो जाएगा 0.0000001, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। नाउ एक्स टू दी पावर 4 की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका जाएगा 0.0000001, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक्स आपका बहुत ही छोटा नंबर है, मीन्स इफ एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो और छोटा नंबर हो जाएगा, उसका जो एक्स का क्यूब होगा वो और छोटा नंबर हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 और छोटा नंबर हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि एक्स की हम जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते जाएंगे, जो हमें रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, बहुत ही छोटा नंबर मिलता जाएगा। मीन्स एक्स की जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो बहुत ही छोटा नंबर मिलेगा। मीन्स यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे केस में हम इसको लिख सकते हैं, कि भाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन इंटू एक्स इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1। कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर आपका एक्स बहुत ही ज्यादा स्मॉल हुआ, ठीक है, इफ एक्स इज वेरी 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 स्मॉल सच दैट एक्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड, मीन्स एक्स आपका इतना छोटा हो गया कि एक्स स्क्वायर आपका बिल्कुल जीरो के बराबर है, मीन्स आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब आपका और छोटा हो जाएगा, एक्स दो फोर आपकी और छोटी जाएंगी, तो आगे आने वाले जितने भी टर्म्स होंगे उनमें जो एक्स की पावर है, एक्स की पावर वाला जो टर्म हो रहा होगा वो आपका एक बहुत छोटा टर्म हो जाएंगे, तो सभी आपके क्या हो जाएंगे, सभी आपके टेंडिंग टू जीरो, मतलब उनको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई कभी कभी क्या होता है कि भाई अगर एक्स की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, जिससे कि हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये आपके बिल्कुल जीरो के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, तो उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो हम इसको लिखते हैं सिर्फ 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, मतलब ये वाले जो आगे वाले टर्म्स हैं इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। एंड गाइस इसका जो आपका यूज आता है, इसका यूज आता है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, आपका इसका बहुत बार यूज आता है, ठीक है, एंड मैथ्स में भी ऑब्वियसली इसका यूज आएगा ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि एक्स इतना छोटा होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और जितनी भी आगे आने वाली पावर्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर पाए। ओके, नाउ इसी के ऊपर आपका एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, तो उस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। नाउ गाइस, सो प्रीवियस क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपका आया था जेईई मेन 2005 में आया था, जेईई मेन 2005 में ये क्वेश्चन आया था। इसमें ये बोल रहे हैं कि इफ एक्स इज सो स्मॉल एक्स क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ एक्स मे बी neglected then 1 plus x to the power 3 by 2 minus 1 plus 1 by 2 x to the power 3 divided by 1 minus x to the power 1 by 2 may be अप्रोक्सीमेटेड एस, ठीक है। और आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन नंबर ए था 1 माइनस 3 बाई 8 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी था 3x प्लस 3 बाई 8 एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी था माइनस 3 बाई 8 एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी था x बाई 2 माइनस 3 बाई 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि भाई इफ x इज सो स्मॉल, मीन्स इफ x इज सो स्मॉल, इतना स्मॉल है सच दैट x क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ x, मतलब x क्यूब, x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 और जितनी भी हायर पावर्स आ रही हैं आपकी, उन सभी को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं, मीन्स हो सकता है कि वो आपकी बहुत ही छोटी है, लगभग आपके बराबर जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है, तो उनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं तो इस एक्सप्रेशन को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? देखिए, अगर हमने उनको निग्लेक्ट कर दिया, वो बहुत छोटे नंबर हैं, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस x टू द पावर 3 बाई 2। अब जानते हैं कि इसके एक्सपेंशन में आपकी x की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी आएंगे, इनफिनिट तक जाएंगे, लेकिन हम क्या करें, x क्यूब एंड हायर पावर्स को निग्लेक्ट कर देंगे, तो इसकी हमें एक दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे हमें इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, इसकी भी अप्रोक्सीमेट मिल जाएगी, तो ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखो ये 1 माइनस एक्स टू दिवाओ 1 बाई 2 को लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स टू दिवाओ माइनस 1 बाई 2, अगर इसको हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। ऑब्वियसली ये आपका 1 प्लस एक्स टू दिवाओ एन के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन्होंने कहा हुआ कि x इज सो स्मॉल सच दैट x क्यूब एंड हायर पावर्स कैन बी निग्लेक्टेड, तो यहीं पर ये बात प्रूफ हो जा रही है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। अगर मॉड ऑफ x आपका ग्रेटर देन 1 होता तो x क्यूब और हायर पावर्स को हम कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर पाते। 1 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो उसका क्यूब चढ़ाओगे तो और बड़ा नंबर, 4 पावर लोगे तो और बड़ा नंबर, 5 पावर लोगे तो और बड़ा नंबर, इसका मतलब ऑब्वियसली मॉड ऑफ x क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो आपको उसको तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 3 बाई 2 और ये आपका हो गया 1 प्लस 1 बाई 2 एक्स का क्यूब, ठीक है। नाउ अब ये तो आपने जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, आराम से। नाउ तो ये आपका आ गया है, इसको जो हम एक्सपेंड करेंगे, तो गाइस मैं क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जगह तो बची नहीं यहाँ, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। नाउ इसको देखो, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म आपका आएगा 1, नेक्स्ट टर्म आपका आएगा n, मतलब पावर, पावर कितनी है माइनस 1 बाई 2, ठीक है, इनटू ये नंबर क्या है 1, देखो 1 माइनस x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ माइनस x, बात समझ में आई क्या, 1 माइनस x लिख सकते हैं 1 प्लस ऑफ माइनस x, तो ये आपका 1 प्लस समथिंग एंड समथिंग का मॉड क्या है आपका लेस देन 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस इंडेक्स इनटू ये क्या हो गया माइनस x, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपका आएगा प्लस, ये आपका आएगा एन, मतलब इंडेक्स इंटू इंडेक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू इसका स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
2 फैक्टोरियल. अब नाउ नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा होगा, x की आपका क्यूब आ जाएगा जिसको कि हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ अंदर वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं. अंदर वाला एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा पहला 1 प्लस, नेक्स्ट आपका आ जाएगा n इंटू x, 3/2 इंटू x, नेक्स्ट आपका आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये मिल चुका है. ठीक है, तो ये आपका पहला वाला ब्रैकेट हो गया. ठीक है, माइनस आपका एक हो रहा होगा दूसरा वाला ब्रैकेट, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर. इसको आप अच्छे से देखेंगे तो ये आपका हो गया है a प्लस बी का होल क्यूब. तो यहाँ पर एक टर्म आपका आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब. हमें नहीं चाहिए भाई b क्यूब, क्यों नहीं चाहिए भाई, आप जानते हैं अच्छे से कि जो b क्यूब वाला टर्म है मतलब x क्यूब वाला टर्म, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर b, तो 3 इसका स्क्वायर इंटू ये आपका हो चुका है. ठीक है, और नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो a आपका 1 हो चुका है, इसका स्क्वायर मतलब 1/2 x का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया. अब ना अच्छे से देखना ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर 1 प्लस 3/2x, यहाँ पर 1 प्लस 3/2x, तो वो आपका कट जाएगा. अब देखो यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, यहाँ पर आपका बच रहा है, इसको तो हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे. तो जब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1/2x. ठीक है, प्लस ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 3/2. देखो 1/2x क्यों लिखा, माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा. ये देखो आपका माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा. ये तो आपका माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर. अच्छे से लिखती हूँ, 1/2 इंटू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2. ठीक है, ये आपका आ जाएगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2. ये आपके कट जाएंगे, 1 से 1 कटेगा, 3/2x से 3/2x कटेगा, ये आपका बचेगा 3x स्क्वायर बाय 4. ठीक है गाइस, ये बात समझ में आई. अब नाउ यहाँ पर आप देखोगे अच्छे से तो ये वाली चीज जो आपकी है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखना 3/8x स्क्वायर माइनस 3/4x स्क्वायर, तो वो आपका आ जाएगा माइनस में 3/8x स्क्वायर. तो इसको मैं लिख दूंगी माइनस 3/8x स्क्वायर. ठीक है, नाउ इसको हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है 1 वाले से, तो आपका हो जाएगा माइनस 3/8x स्क्वायर. ठीक है, अब नाउ आगे अगर आप इसको x वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे आने वाला टर्म आपका होता है माइनस 3/8x स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये आपका हो जाता है माइनस 3/8 इंटू 1/2 इंटू एक्स क्यूब. अब देखो जैसे ही आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब बन चुका है, एक्स क्यूब को हम निगलेक्ट कर सकते हैं. ऐसे जब आप एक्स स्क्वायर को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी जिसको कि हम निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इन सभी को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा माइनस 3/8x स्क्वायर. मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा. तो एक काम करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम यहाँ से हटा देते हैं. ओके गाइस, गाइस मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमारा एक और कंसेप्ट बचा है, उसको हम देख लेते हैं. इसी को और मॉडिफाई कर रहे हैं हम. देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका एक स्पेशल केस आता है. स्पेशल केस ये आता है कि भाई हम देख रहे हैं, यही चीज़ देख रहे हैं, 1 प्लस x टू द पावर n ही हम देख रहे हैं. ठीक है, और जहाँ पर n आपका क्या है, इंटीजर भी, मतलब n आपका हो सकता था एक फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन आपके पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते थे. ठीक है, नो तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 1 प्लस nx. ठीक है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन, एंड दिस सीरीज विल गो अप टू इन्फिनिटी, एंड ऑब्वियसली मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, ये आपको गिवन होना चाहिए. ठीक है, कि मॉड ऑफ x दिस इज लेस देन 1. ठीक है, नाउ अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं. स्पेशल केस हम ये लेते हैं कि भाई अगर इसी में ही 1 प्लस x टू द पावर n और मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, उसमें जो आपका n हो रहा है वो आपकी जो पावर है वो क्या हो जाए, एक नेगेटिव इंटीजर हो जाए. मीन्स इफ स्पेशल केस आपका ये है कि इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, अगर n आपका एक नेगेटिव इंटीजर है तो मान लो n आपका हो सकता है -5, -6, -7 ऐसे, तो हम मान लेते हैं कि n दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ m वेयर
m belongs to the set of natural number. Obviously, अगर आपका m एक natural number है तो minus of n क्या हो जाएगा? Negative integer हो जाएगा, तो n को हमने minus m ले लिया. तो now, अब इसमें हम value put करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 plus x to the power minus m. अब आपकी power क्या हो चुकी है? Negative integer हो चुकी है. इसमें जल्दी से value put करो, तो हमें मिलेगा this is equal to 1 plus minus m into minus माइनस एम इंटू एक्स. ठीक है नाउ, अब यहाँ पर देखो जो स्पेशल केस हम ले रहे थे उसमें हमें ये चाहिए था कि इफ एन इज ए निगेटिव इंटीजर, उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ चाहिए थी कि हमें वन प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन नहीं चाहिए, हमें एक्सपेंशन चाहिए वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस एम, इसका हमें एक्सपेंशन चाहिए. ठीक है नाउ, अगर हम इसका एक्सपेंशन देख रहे हैं तो आप जानते हैं ऑब्वियसली जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि माइनस ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं इसको वन प्लस ऑफ माइनस ऑफ एक्स. ठीक है, तो अब ये आपका एक्सपेंशन हो जाएगा वन प्लस इंडेक्स क्या है माइनस एम इंटू माइनस एक्स. ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका हो जाएगा माइनस एम इंटू इंडेक्स माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और जो यहाँ पर है उसका स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स का होल स्क्वायर. नेक्स्ट टाइम आपका हो जाएगा इंडेक्स इंटू इंडेक्स माइनस वन इंटू इंडेक्स माइनस टू. ठीक है, जो आपने देखो यहाँ पर किया था एक्सपेंशन उसी से कंपेयर करते हुए हम लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई क्या था थ्री फैक्टोरियल, जो भी यहाँ पर था यहाँ पर क्या माइनस एक्स, तो उसका होल क्यूब. ठीक है, इस तरह से आपकी सीरीज चलती जाएगी इनफाइनाइट तक. अब देखो इसको यहाँ पर अच्छे से देखोगे तो ये आपको मिलेगा वन प्लस एम एक्स. ठीक है, ये आपका हो चुका है एम एक्स, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया. अगेन ये आपका हो चुका है एम इंटू एम प्लस वन, दोनों में से हमने नेगेटिव को बाहर लेके मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट टाइम आपका बन चुका है एम इंटू एम प्लस वन इंटू एम प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, एंड दिस सीरीज विल गो अप टू इन्फिनिटी. ठीक है ना, तो हमने क्या किया सीरीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया. ऑब्वियसली क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें समझ में नहीं आती अच्छे से, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया. अब ना सिंप्लीफाई करते हुए हमें एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिली. मज़ेदार चीज़ क्या मिली इसको देखो अच्छे से आप, तो मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ एंड आप यहाँ पर देखना है इसको. तो ये जो मज़ेदार चीज़ हमें मिली है वो ये मिली है कि भाई वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस एम, वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस ऑफ एम इफ एम बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन वन, दिस कैन बी रिटन एज वन प्लस एम को हम लिख सकते हैं एम सी वन. ऑब्वियसली एम सी वन की वैल्यू क्या होगी एम ही होगी, तो इसको लिख सकते हैं एम सी वन एक्स. अब इसको क्या लिख सकते हैं हमें इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ एन सी आर. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम इंटू एम प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एन सी आर को, जब मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना बताया था तो अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी हुई तो ऑब्वियसली वो जल्दी से दौड़ के बताएंगे कि भाई इसकी वैल्यू क्या हो रही है. इसकी वैल्यू आपकी हो रही है एम प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर. देखो कैसे एम प्लस वन सी टू निकालना था, तो एम प्लस वन से लेके दो नंबर लगातार घटते हुए क्रम में, तो क्या हो जाएंगे एम प्लस वन इंटू एम डिवाइडेड बाई जो यहाँ पर उसका फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, तो ये आपका हो चुका है एम प्लस वन सी टू. यहाँ पर देखो एम प्लस टू से लेके घटते हुए क्रम में लगातार तीन नंबर डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, तो ये आपका क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू एम प्लस टू सी थ्री ओके इंटू एक्स क्यूब. इस तरह से आपकी ये सीरीज इन्फाइनाइट तक जाती रहेगी, मतलब इन्फाइनाइट टर्म्स तक जाती रहेगी. ठीक है नाउ, तो ऑब्वियसली इस स्पेशल केस में हमें ये सीरीज मिल चुकी है वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस एम, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, तो गाइज ये जो सीरीज है ना, दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ऑब्वियसली इस चीज़ को भी हम ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं पूरा, इसको आपको याद होना चाहिए. ये सीरीज कैसे इंपॉर्टेंट होती है, इसके ऊपर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही रिसेंट में भी जेई मेन्स 2019 में आया था. ठीक है नाउ, तो दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब नाउ इस सीरीज में हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपकी वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस एम इस टाइप की सीरीज मिले वेयर एम इज नेचुरल नंबर, मतलब ओवरऑल इंडेक्स आपकी क्या हो रही है एक नेगेटिव इंटीजर हो रही है, तो उस केस में सीरीज आपकी इस तरह से बनती है. ठीक है, सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है पहले आपके एक्स के पावर कोई नहीं, मतलब जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, इस तरह से आ रही है, तो वो तो आपको समझ में आ जाएगा. अब मेन चीज क्या है कि भाई x की किस पावर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, मींस व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4. तो इन जनरल अगर हमें देखना हो कि भाई इसमें कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 माइनस x टू द पावर माइनस m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मोड ऑफ एक्स इज लेस देन वन, तो इसमें भाई आपका कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर आर क्या होता है, इसमें आपको कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर आर कैसे हो सकता, क्या होता है आप बता देंगे वो ऑब्जर्व करते हुए. फर्स्ट टर्म का कॉफिशियंट तो आपका वन ही है, मतलब एक्स टू द पावर जीरो का. ठीक है, एक्स टू द पावर वन का कॉफिशियंट क्या है, एक्स टू द पावर वन का कॉफिशियंट आपका एम सी वन,
एक्स दर टू का कोफिशेंट है एम प्लस वन सी टू, एक्स क्यूब का कोफिशेंट है एम प्लस टू सी थ्री। तो देखो यहाँ पर अगर x की पावर 1 तो लोअर इंडेक्स भी क्या हो रही है कोफिशेंट की 1, अगर 2 तो लोअर इंडेक्स 2, 3 तो लोअर इंडेक्स 3। तो यहाँ पर भी जो कोफिशेंट की लोअर इंडेक्स होगी वो क्या हो जाएगी r, क्योंकि हमें कोफिशेंट ऑफ x की पावर r चाहिए, तो यहाँ पर भी लोअर इंडेक्स हमें क्या मिलेगी r। अपर क्या मिलेगा, देखो अपर की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर देखो अच्छे से, ये आपका यहाँ पर क्या है m, यहाँ पर है m प्लस वन, यहाँ पर क्या है m प्लस टू। तो अगर पावर 1 थी तो यहाँ पर है m माइनस जीरो, अगर पावर 2 थी तो यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर अगर पावर 1 थी तो क्या था m प्लस जीरो, अगर यहाँ पर पावर 2 थी तो क्या था m प्लस वन, अगर पावर 3 थी तो क्या था m प्लस टू। मतलब देखो यहाँ पर हमें मिल रहा है एम प्लस पावर माइनस वन, क्योंकि देखो 3 था तो हमने क्या किया m प्लस टू, एक हमने कम को प्लस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा m प्लस आर माइनस वन, तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉफिशियंट आ चुका है वो आ चुका है m प्लस आर माइनस वन सी आर। एंड गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए, अभी आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं उसको यहाँ से हटा देती हूँ, ओके गाइज। तो गाइज हम मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेई मेन में पूछा गया था 2019 में, उसको भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन आया था आपका जेईई मेन 2019 में, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन था The coefficient of t to the power 4 in the expansion of, किसके expansion में पूछ रहे थे, in the expansion of 1 plus 1 minus t to the power 6 divided by 1 minus t का होल क्यूब इज, ठीक है। मतलब ये आपका इसका कुछ एक्सपेंशन आएगा, तो इसके एक्सपेंशन में आपका कोफिशियंट ऑफ टी टू द पावर 4 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस थे आपके, ऑप्शन नंबर ए था आपका 12, ऑप्शन नंबर बी था आपका 15, ऑप्शन नंबर सी था आपका 10, ऑप्शन नंबर डी था आपका 14, ठीक है। नाउ गाइस इसको देखिए अच्छे से, तो भाई ये है क्या, किसके एक्सपेंशन में, तो उस एक्सपेंशन को अच्छे से लिखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस टी टू द पावर 6 का होल क्यूब इनटू 1 माइनस टी टू द पावर माइनस 3, ओके वेरी गुड। नाउ तो हमें ये कौन सी फॉर्म मिली, इसको कंपेयर करेंगे हम, तो हमें ये मिल रही है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस ऑफ एम, जो कि हमने अभी पढ़ा हुआ था, ठीक है। नाउ तो इसको हम देखेंगे अच्छे से, तो इसके एक्सपेंशन चाहिए। नाउ इसका एक्सपेंशन तो हम कर सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब मतलब 1 माइनस इसका क्यूब मतलब टी टू द पावर आपकी हो जाएगी 18 प्लस आपका हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर मतलब प्लस 3 इन टू टी टू द पावर 12 माइनस 3a स्क्वायर बी, तो ये आपको हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी मतलब टी टू पावर 6, ठीक है, इनटू ये आपका हो जाएगा 1 माइनस टी टू पावर माइनस ऑफ 3। किसका हमें कोफिशियंट चाहिए, टी टू दी पावर 4 का, तो देखते हैं भाई टी टू दी पावर 4 आपके कितने तरीके से बन सकती है, जहां जहां से कोफिशियंट मिलेगा तो उनको हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो हमें ओवरऑल कोफिशियंट मिल जाएगा। अब नाउ गाइस यहां पर देखो 1 माइनस टी टू पावर माइनस 3, इसको अभी आपने देखा था भाई कि इसका एक्सपेंशन कैसा होता है, इसका एक्सपेंशन आपका होता है, अभी मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगी, इसका एक्सपेंशन आपका हो जाएगा 1 प्लस 3c1, ठीक है, जो आपका था एम सी वन इंटू एक्स मतलब ये आपका हो जाएगा 3c1 इंटू टी प्लस ये आपका हो जाएगा 3 + 1c2 इंटू टी स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, मतलब एम प्लस 1c2 एक्स स्क्वायर जो हमने भी पढ़ा था उसे कंपेयर करते हुए लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब नाउ गाइस यहाँ पर देखना टी की हमें कौन कौन सी पावर मिल सकती है, ये आपका एक्सपेंशन में टी की पावर हमें 0, 1, 2, 3, 4 ये सब मिल सकती हैं, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पर इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें टी की पावर 4 मिल जाए, ऑब्वियसली 1 को हमें इस सीरीज के इस एक्सपेंशन के टी टू द पावर 4 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टी टू द पावर 4 मिल जाएगा, ओके। तो एक तरीका हमें ये हो गया टू द पावर 4 मिलने का। अब नाउ ये बताना टी टू द पावर 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें टी टू द पावर 4 मिल जाए, ऑब्वियसली टी टू द पावर 18 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टी टू द पावर माइनस ऑफ 14 से, तब जाके हमें टी टू द पावर 4 मिलेगा, क्योंकि भाई टी टू द पावर 18 इंटू टी टू द पावर माइनस ऑफ 14 ये आपको हो जाएगा 18 माइनस 14 कितना होता है 4, तो यहाँ पर टी टू द पावर 4 हो जाएगा। अब नाउ टी टू द पावर
माइनस 14 ऐसा कोई भी टर्म हमें यहाँ से मिलने वाला नहीं है। अब ना यहाँ पर देखो T12 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, T2 -8, तो T2 -8 हमें यहाँ से मिलने वाली नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें T के नेगेटिव पावर्स वाले टर्म मिलने वाले हैं ही नहीं, तो इसके लिए हमारा T4 बन ही नहीं सकता इसके किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करके, इसके लिए भी नहीं बन सकता, इसके लिए भी नहीं बन सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी कि भाई यहाँ से हम 1 लें और यहाँ से हम T4 वाला टर्म ले लें, तो हमें ऑब्वियसली ओवरऑल T4 वाला टर्म मिल जाएगा। अब नाउ तो कॉफिशियंट क्या आ जाएगा, कॉफिशियंट विल बी इक्वल टू नथिंग बट दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 1 into यहाँ से देखो हमने 1 लिया, यहाँ से जो कॉफिशियंट मिल रहा होगा हमें कॉफिशियंट ऑफ T4 इन 1 -T2 -3, ठीक है, क्योंकि तभी हमें T4 वाला टर्म मिलेगा। तो ये देखिए गाइस हमें कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ T4 इन 1 -T2 -3, अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था, ये आपका होता था m मतलब जो यहाँ पर पावर थी वो कितनी थी 3 माइनस एम थी, तो माइनस एम मतलब यहाँ माइनस 3 कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 3, तो m मतलब 3 प्लस किसका कोफिशिएंट चाहिए T4 का, तो r की वैल्यू क्या है 4, तो 3m प्लस r माइनस 1 मतलब 3 प्लस 4 माइनस 1 cr मतलब C4, दैट विल बी योर कोफिशिएंट ऑफ T4। तो ये आपका बन चुका है, 3 प्लस 4 7 माइनस 1 6, तो ये आपका आ चुका है 6C4 एंड 6C4 की वैल्यू होती है आपकी 15, क्योंकि 6C4 को लिख सकते हैं 6C2 एंड 6C2 को कंपेयर मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैसे देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 6 × 5/2, तो ये आपका हो जाएगा 15। सो ऑब्वियसली योर आंसर इज 15, मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन में सब कुछ सिंपल था, बस आपको ये आना चाहिए कि भाई व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ X^r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - X^-m, जो कि हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो गाइस उस जो हमने अभी ये पढ़ा हुआ है ना, इसके ऊपर आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो आपके बाइनोमियल में आ जाते हैं, बहुत बार आपके इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज आता है इसका। तो कैसे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब हम मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम हम बाइनोमियल में भी पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी मल्टीनोमियल थ्योरम होती है। ठीक है, उसमें हमारा कॉफिशियंट ऑफ X^r इन 1 - X^-m उसका बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके गाइस, गाइस इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेई मेन 2006 में आया था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जेई मेन 2006 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखती हूँ, जेईई मेन 2006। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ भाई, ये देखो 1 - X^-1 ये क्या हो जाएगी। ठीक है, इसको देखना अच्छे से, तो ये आपकी हो जाएगी 1 प्लस m की वैल्यू क्या है 1, तो 1C1 × x प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 2C2 x² प्लस आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 मतलब 3C3 x³। ठीक है, मैंने क्या किया 1 - X^-m में हमने m की वैल्यू -1 पुट कर दी, सॉरी m की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो हमें यहाँ से एक्सपेंसेस टाइप मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो ये आपका आ जाएगा 1 + x + x² लाइक दैट। ठीक है, तो भाई जब भी हमें यहाँ पर ये आता है 1 - X^-1, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 1 + x + x² मीन्स हमें ये एक इनफाइनाइट जीपी मिलती है। अब ना जिसने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर उससे पूछते कि भाई इस इनफाइनाइट जीपी की वैल्यू क्या होगी, समीशन क्या होगा, तो इनफाइनाइट जीपी का समीशन होता है अपना a/(1 - r) मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1/(1 - कॉमन रिसीव कितना हुआ x, तो भाई इनफाइनाइट जीपी का समीशन भी आपका हो जाता है 1 - X^-1। तो भाई बाइनोमियल से भी ये आपका ऐसे आएगा, अगर जिसको इनफाइनाइट जीपी पता होती वो भी बोल सकता था भाई दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। ठीक है, तो देखो गाइस बाइनोमियल जो आपकी आती है एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स, ये तो भाई हमने इसका प्रूफ नहीं देखा, लेकिन इसका हमने एक एग्जांपल देख लिया, भाई जीपी का समेशन तो यही होता है ना, और इसका प्रूफ तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था जीपी वाले चैप्टर में। तो यहां से हम देख सकते हैं कि भाई इसका एक्सपेंशन ये आ रहा है, मतलब इसका एक्सपेंशन एक इनफाइनाइट सीरीज आ रही है जो कि बाइनोमियल वाले फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर ही रही है। ठीक है, नाउ तो ये आपको यहां से समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आपका ये था कि इफ टी
एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ एक्स ऑफ दी, ये एफ एन का मतलब फंक्शन है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ जल्दी जल्दी, वन अपॉन वन माइनस ए एक्स इन टू वन माइनस बी एक्स इज, ठीक है, इसका एक्सपेंशन है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब तो ये जा रहा है, देन वैल्यू पूछ रहे भाई ए एन की वैल्यू क्या होगी, देन ए एन इज, ठीक है, ऑप्शंस आपके बड़े बड़े हैं, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए है बी टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, बड़े बड़े ऑप्शन इसलिए बोले कि यहाँ लिखने में ज़्यादा जगह लगेगी, ऑप्शन नंबर बी है ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी है ए टू दी पावर एन प्लस वन माइनस बी टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और ऑप्शन नंबर डी है बी टू दी पावर एन प्लस वन माइनस ए टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है, अब गाइस इसको अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, तो गाइस इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भाई कि दी एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ एक्स ऑफ द फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का एक्सपेंशन अगर ये है, मीन्स एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग इज, ये अगर है तो ए एन की वैल्यू क्या है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ दिस, देखो वन अपॉन एट वन अपॉन वन माइनस ए एक्स को हम लिख सकते हैं वन माइनस ए एक्स टू दी पावर माइनस वन, इसको लिख सकते हैं वन माइनस बी एक्स टू दी पावर माइनस वन, तो भाई इसका एक्सपेंशन आ रहा है, मीन्स दिस इज इक्वल टू, इफ दिस इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो एन, जो कि सीरीज आपके इन्फाइनाइट तक जा रही है, मतलब इसका एक्सपेंशन अगर ये है तो वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, ए एन की, ठीक है, ए एन मतलब क्या हो गया, देखो ए वन मतलब कॉफिशियंट ऑफ एक्स, ए टू मतलब कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए थ्री मतलब कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो बेसिकली ये पूछना चाहते हैं कि भाई इस सीरीज के एक्सपेंशन में वॉट विल बी दी कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर एन, तो हमें कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर एन फाइंड करना है, नाउ ये आपका ये अभी आपने देखा था ये आपका हो जाएगा वन प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर, अभी हमने देखा था इसे आप देख सकते हैं, प्लस ये आपका हो जाएगा ए एक्स का होल क्यूब, इस तरह से इन्फाइनाइट सीरीज चलेगी, और ये वाला आपका हो जाएगा वन प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपकी इन्फाइनाइट सीरीज चलेगी, ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर एन, अब देखो कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर एन कैसे बन सकता है, देखो अगर मैंने यहाँ से वन लिया तो यहाँ से मुझे एक्स टू दी पावर एन वाला टर्म चाहिए होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ से एक्स टू दी पावर एन वाला अगर मैं यहाँ से टर्म लूंगी तो उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी टू दी पावर एन, तो हमें कॉफिशियंट यहाँ से मिल जाएगा बी टू दी पावर एन, एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ से मैंने एक्स टू दी पावर वन वाला टर्म ले लिया और यहाँ से मैंने एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वाला टर्म ले लिया, तो उसका कॉफिशियंट क्या होगा, उसका कॉफिशियंट होगा आपका बी टू दी पावर एन माइनस वन, तो ओवरऑल कॉफिशियंट बनेगा आपका ए इंटू बी टू दी पावर एन माइनस वन, सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मैंने एक्स टू दी पावर टू वाला टर्म लिया तो यहाँ से मुझे एक्स टू दी पावर एन माइनस टू वाला टर्म लेना पड़ेगा, यहाँ से कॉफिशियंट मिलेगा ए स्क्वायर, वहाँ से कॉफिशियंट मिलेगा बी टू दी पावर एन माइनस टू, ऐसे ही आपको चलते जाएगा, सेकेंड लास्ट पॉसिबिलिटी होगी कि भाई यहाँ से मैंने एन माइनस वन वाला टर्म लिया तो आपको कॉफिशियंट मिला ए एन माइनस वन, यहाँ से मुझे एक्स टू दी पावर वन वाला टर्म लेंगे तभी तो आपकी ओवरऑल पावर एन बनेगी, क्योंकि भाई एन माइनस वन प्लस वन कितना होता है, एन होता है, तो ये आपका बन जाएगा ए एन माइनस वन इंटू बी, ठीक है गाइस, नेक्स्ट आपकी पॉसिबिलिटी सबसे लास्ट पॉसिबिलिटी कि भाई यहाँ से मैंने एक्स टू दी पावर एन वाला टर्म लिया तो उसका कॉफिशियंट होगा ए टू दी पावर एन, तो जब मैं ऑलरेडी एक्स टू दी पावर एन वाला टर्म यहाँ से ले चुकी हूँ तो यहाँ से मैं एक्स टू दी पावर जीरो वाला टर्म लूंगी जिसका कॉफिशियंट क्या होगा वन, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि भाई अगर मैं यहाँ से और हायर पावर वाला टर्म लेती हूँ लाइक एक्स टू दी पावर एन प्लस वन तो यहाँ से मुझे एक्स टू दी पावर माइनस वन लेना पड़ेगा जो कि मुझे नहीं मिलेगी, तो यही सब पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, इन सब पॉसिबिलिटी में जो कॉफिशियंट आ रहा था उन सबका समेशन कर देंगे तो हमें ओवरऑल कॉफिशियंट मिल जाएगा, देखो नाउ गाइस ये जो ओवरऑल कॉफिशियंट मिल रहा है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है, ये आपकी में ज्योमेट्रिक सीरीज मिल रही है, नाउ इस ज्योमेट्रिक सीरीज में देखो फर्स्ट टर्म क्या है बी टू दी पावर एन और इसका जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो रहा है, इसका कॉमन रेशियो रहा है हमें ए बाय बी, क्योंकि ए की पावर बढ़ रही है बी की पावर एक कम हो रही है तो कॉमन रेशियो आपका क्या हो जाएगा ए बाय बी, तो ओवरऑल जो कॉफिशियंट आया है उसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं बची हुई है, तो ये ओवरऑल कॉफिशियंट आपका आ जाएगा ए मतलब फर्स्ट टर्म इनटू वन माइनस कॉमन रेशियो क्या आया आपका, कॉमन रेशियो आपका आया ए अपॉन बी इसकी पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नाउ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए इस ज्योमेट्रिक सीरीज में, देखो
बी की पावर हमारी एन से स्टार्ट हुई और बी की पावर जीरो तक जा रही है, तो वन से लेके एन तक कितने टर्म हुए? वन से लेके एन तक हमारे हो गए एन टर्म, और एक और जीरो वाले टर्म एन प्लस वन टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? एन प्लस वन, तो इसकी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, वन माइनस ए बाई बी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर एन प्लस वन माइनस ए टू दी पावर एन प्लस वन। एलसीएम वगैरह लेने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा बी टू दी पावर एन प्लस वन, नीचे आपको मिलेगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। इसको बी टू दी पावर एन और इसको काटेंगे तो यहाँ से बी बचेगा, बी से बी कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना? बी टू दी पावर एन प्लस वन माइनस ए टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो गाइस इसको भी हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो गाइस आज के वीडियो में हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमने उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके अलावा भी एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगे मैंने उनको आपको सॉल्व करवाया, ठीक है। एंड गाइस जो आपका कंसेप्ट था उसको भी मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि न्यू उरा का सुपर 100 में ऑनलाइन का बैच स्टार्ट हो रहा है। सुपर 100 ऑनलाइन बैच का मतलब ये होता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारे ऐप में, जो कि आपके थ्रू आउट द ईयर चलेंगे, जिसमें कि हम आपकी आईआईटी जेई की फुल प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ये क्लासेस आपकी 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी हैं, एंड ऑब्वियसली ड्रॉपर्स के लिए भी हैं, ठीक है। तो इनमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे जिनमें कि आपको हम लाइव पढ़ाएंगे, मतलब आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन मुझे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपका क्या क्वेश्चन है, तभी की तभी क्लास के बीच में ही मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगी, मतलब आपको ऑफलाइन कोचिंग जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा साथ में। और जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं आपकी कोचिंग में, क्विज हो गई, टेस्ट हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, ठीक है, आपकी रेगुलर डाउट सॉल्विंग हो गई, टीचर्स से आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, उनको आप वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए। तो गाइस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है अगर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसका जो फॉर्म है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, गूगल फॉर्म, आप वहाँ से जाके उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ मिलती हैं। ओके गाइस, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।